छोटी चीजें सुनता हूं मुझे बड़ा अजीब लगता है। शादी होगी करोड़ों की, टेंट वाला कहेगा 5 लाख, बर्तन वाला कहेगा 6 लाख, खाने वाला लेगा 20 लाख। जो उस शादी को, उस पवित्र शादी को, जो ब्राह्मण आकर के आपके घर में शादी कराता है, जिसके मंत्रों के बाद वो शादी पूरी होती है, वो उठते वक्त अगर कहे कि 500 रुपए दक्षिणा देना, तो मालूम है वो लोग क्या कहते हैं, पंडित जी इतनी क्यों, इतनी नहीं है। यानी आप सोचिए कि 5 लाख 10 लाख टेंट वाले को दे रहे हैं, उस ब्राह्मण ने कहा दक्षिणा के रूप में जो दिल चाहे दे दो, तब भी 100 रुपए ये सोच के देते हैं पता नहीं क्या कर रहे, ये क्या मानसिकता है यार, इन्हें माइनस कर दो, शादी करा लो। पूरे समाज में घूमोगे, नहीं हुई तो थी, पंडित जी नहीं आए थे, कोई तो थी, पूंज नहीं आए थे, गांठ नहीं बंधी थी, तिलक नहीं लगा था, मांग नहीं भरी थी, पूरे जिंदगी भर ऐसी घूमते रहोगे। लेकिन वो 500 रुपए बेचारा मांग रहा है, तो कहोगे देखो साहब ब्राह्मण लूटता है, ये क्या लूटेंगे, ये तो लूटने के बाद यहां आए, ये क्या लूटेंगे भाई। इसलिए तथ्यों को सही तरह रखिए।